का बड़ी जानकारी है, उसका रुख कर लेते हैं और आपको बता दें कि बड़ी जानकारी जहां पर अनुज त्यागी ने जिले का नाम रोशन किया है, ये बड़ी अपडेट आपको दे रही है। आपको बता दें कि सीबीएसई 12वीं क्लास की परीक्षा में अनुज ने टॉप किया है। ये बड़ी अपडेट, 481 अंक प्राप्त करके अनुज ने पहला स्थान जिले में हासिल किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अनुज त्यागी से। इंडिया न्यूज संवाददाता की बातचीत भी हुई, इंडिया न्यूज के सहयोगी ने हमारी बातचीत भी की है। सीबीएसई 12वीं क्लास की परीक्षा में टॉप यहां पर किया है अनुज ने, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो स्पीच जो है ये सामने आ रही है, अनुज त्यागी ने यहाँ पर जिले का नाम रोशन किया है। ये बड़ी अपडेट, सीबीएसई 12वीं क्लास की परीक्षा में टॉप किया है अनुज ने। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से आज सीबीएसई से 12वीं के जो परिणाम है वो घोषित किए गए हैं। किसी ने सच कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हमारे साथ हैं भिंड जिले के कनाथर गांव के रहने वाले अनुज त्यागी, जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा के एग्जाम में टॉप किया है। पूरे जिले में इन्होंने 500 अंक में से 481 अंक प्राप्त हासिल करके पूरे जिले में टॉप किया है। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैसा उनका ये सफर रहा, कैसे उन्होंने इस उपलब्धि को पाया है। अनुज, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अनुज, क्या परेशानियां आई सामने, किस तरीके का मतलब एक आपने मन में दृढ़ संकल्प लिया था इस एग्जाम के लिए? पढ़ने के लिए और कुछ नहीं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी और उसके लिए मेरे स्कूल वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे मोबाइल दिया, लैपटॉप दिया, जिससे मैंने ऑनलाइन स्टडी की। और कोरोना के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा उन्हीं का सपोर्ट था। और फिर मैंने 6-7 घंटे रोज़ पढ़ाई की और सेल्फ स्टडी की। तो आपकी दिनचर्या क्या रहती थी अनुज? मैं सुबह उठता था, फिर स्कूल जाता था 7 से 12, फिर उसके बाद मैं खुद से ही सेल्फ स्टडी करता था। ट्यूशन मैंने लगाया नहीं था क्योंकि स्कूल में ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और फिर उसके बाद मैं रात को सारा रिवीजन करके, जो स्कूल में पढ़ाया गया उसको रिवाइज करके, अगले दिन के लिए कुछ जो एक्स्ट्रा मैं पढ़ सकता था वो पढ़ लेता था। और फिर ऐसा ही रहता था मेरा शेड्यूल। ये आज जो आपने उपलब्धि हासिल की है, आपने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसके पीछे किसका हाथ मानेंगे? मोस्टली तो मेरे पेरेंट्स, जैसे सबके सपोर्टिव होते हैं तो मेरे भी हैं। और मैं अपने टीचर्स को बहुत मानता हूँ, जैसे मेरे फिजिक्स के टीचर राधेश्याम सर और इंग्लिश के टीचर बहुत सारे अच्छे थे। वो मुझे हर एक कॉन्सेप्ट को, जैसे मुझे समझ में नहीं आता था तो वो मुझे और अच्छे से समझाते थे। आपने केमिस्ट्री में 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? केमिस्ट्री मेरा फेवरेट भी सब्जेक्ट है, इसलिए मैं और उसे ज़्यादा टाइम दे के पढ़ता था, इसलिए शायद मेरे उसमें फुल स्कोर रहा। हमें पता चला कि आपके पिता, जब आप 1 महीने के थे तभी उनका स्वर्गवास हो गया था, उसके बाद किस तरह की परेशानियां हुई? आपकी माता जी ने किस तरह की परेशानियों का सामना करते हुए आपकी परवरिश की, किस तरह आपको पढ़ाया लिखाया, इसके बारे में? जब मुझे, तो मैं बहुत ही छोटा था तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, माँ ने मेरी बहुत परेशानियाँ उठाई हैं और मैं मानता हूँ कि उन पे बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं। और मैं इसीलिए तो और मेहनत करता हूँ जिससे मैं उनको कुछ दिखा सकूँ अपनी उनकी ज़िंदगी में। तो अभी आपने 12th पास किया है, अब इससे ज़िंदगी का सफ़र और आगे अच्छा, पढ़ाई का आप क्या मुकाम हासिल करना चाहते हैं आगे, क्या कौन सी परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं, क्या तैयारियाँ उसकी? मैं JEE का एग्ज़ाम इसी साल दे रहा हूँ और अभी मेरी 97% आई है, लेकिन मैं और अच्छा करना चाहता हूँ जिससे मुझे इसी साल IIT कानपुर में एडमिशन मिल जाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।